ने खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज विधायकों की बैठक है, हमारे साथ जो है धर्मपाल जी हैं। विधायकों की बैठक, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का माने हर विधायक वोट देना तो जानते हैं, लेकिन प्रशिक्षण आवश्यक इसलिए है कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए मोड़ने में या कुछ कुछ की लाइन बाइन खींचने में। तो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की सभी सीटें जीत रही है, कहीं कोई असुविधा और परेशानी नहीं है, और रिजल्ट तत्काल बताने का काम करेगा। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक आपके साथ आ गए हैं, कल बैठक हो गई है, चुनाव में आपके साथ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 16 विधायक बैठक भी नहीं पहुंचे अखिलेश यादव की। देखिए, निश्चित रूप से ये लोकसभा के चुनाव से पहले का एक सिस्टम है, वो संकेत कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 ही लोकसभा सीटें जीतेगी। गठबंधन और ये सब तुकबंधन जितना भी होता रहे, जनता पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। ब्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई थी कोर्ट के आदेश के बाद, अब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की याचिका थी वो खारिज कर दी है, पूजा जारी रहेगी। देखिए, मैं एक आपको लॉजिकल बात बताना चाहता हूँ। जब मुगल शासन काल आया तो उसमें मुगलों ने हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों को पाट कर काट कर नष्ट करने का काम किया। अब मोदी युग आया है, जो मुगलों ने मंदिर तोड़ फोड़ कर नष्ट किए थे, मोदी युग में वही मंदिर बनाए जा रहे हैं, और न्यायालय जो निर्णय कर रहा है वो बहुत सम्मानजनक है। धन्यवाद। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल जी थे, जिनका ये कहना है कि न्यायालय जो फैसले ले रहा है उसी के आधार पर, आज सबूतों के आधार पर, और जो मंदिर तोड़े गए थे उन्हें दोबारा बनने की स्थिति बन रही है। लखनऊ से निखिल के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर